हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए हम इस कलर से जेंट्स के लिए कैप बनाएंगे। लेडीज जेंट्स दोनों पहन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। ये देखिए, एक साइड हमने डबल धागा ले रखा है और एक साइड सिंगल। तो देखिए, पहले हम एक फंदा इस तरह से, एक और एक इस साइड से, दो। ध्यान से देखिए फ्रेंड, इस तरह से पकड़ेंगे हम, एक फंदा इस तरह से, एक इस तरह से, और इस तरह से डिजाइनर फंदे डालते हैं। अगर आपको किसी और तरह से आता है डिजाइनर फंदे डालने, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। ये देखिए, एक हम इस साइड से और एक हम इस साइड से। इस तरह से हमें 112 फंदे डालेंगे इस पे। 112 फंदे डालने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, 112 फंदे डाल लिए। तो अब देखिए, हम डिजाइन बनाएंगे बॉर्डर का, दो फंदे उल्टे का, दो सीधे का। तो ये देखिए, दो फंदे हमने उल्टे, धागा पीछे करा, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे करा, दो फंदे उल्टे। दोनों साइड से हम इसी तरह से बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे भी जिस तरह से हमें सीधे फंदे दिखेंगे तो उनको हम सीधा बनाएंगे, उल्टा दिखेगा तो उल्टा बनाएंगे। इस तरह से हमें 3 इंच का बॉर्डर बना लेंगे। और 3 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद फिर मैं आगे दिखाऊंगी हमने किस तरह से ये डिजाइन डालना है आगे। ये देखिए, दो उल्टे, दो सीधे, और इस साइड पे देखिए सीधी सिलाई पे, फिर दो उल्टे हैं तो उनको उल्टा बनाएंगे, दो सीधे हैं तो उनको सीधा बनाएंगे। बस इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। बहुत ही सुंदर बनती है ये वाला बॉर्डर, दो उल्टे दो सीधे का। देखिए, ये दो उल्टे हैं, दो सीधे हैं, दो उल्टे हैं, दो सीधे हैं। इसी तरह से हमें बना लेंगे और फिर आगे दिखाऊंगी मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, ये बॉर्डर के दो फंदे उल्टे दो सीधे का मैंने 12 सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम 8 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाएंगे। देखिए, अब सभी फंदों को सीधा कर देंगे। यहाँ से सीधी सिलाई पे ये सीधी और उल्टी पे उल्टी बनाएंगे। तो पूरी सिलाई हम लास्ट तक इसी तरह से बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड, सीधी सिलाई पूरी सीधी लगा ली। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। इस तरह से हम 8 सिलाइयाँ बना देंगे, 4 सीधी और 4 उल्टी। ये देखिए, बस इसी तरह से हमने डिजाइन बनाना है। 8 सिलाइयाँ हमें सीधी उल्टी बनाएंगे। इसके ऊपर फिर हम 10 सिलाइयों का, दो फंदे सीधे दो उल्टे का डिजाइन फिर से हम वैसे ही बना देंगे। देखिए, मैं दिखा देती हूँ, ये हम जो बना रहे हैं ये हम 8 सिलाइयाँ लगाएंगे इतनी। इसके बाद फिर से हमने यही डिजाइन 10 सिलाइयाँ और बनानी है। यहाँ पे हमने 12 बनाई है क्योंकि बॉर्डर इसके साथ है, इसलिए 12 बनाई है। ऊपर हम 10-10 बनाएंगे, 8 प्लेन उल्टी सीधी और फिर दो फंदे सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे, इसी तरह का बॉर्डर हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो मैं अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। बस इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और मैं ये लेंथ कंप्लीट करके दिखाऊंगी फिर आपको। अब देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट कर दी मैंने, 1 2 3 4 चार बार, ये 12 बार बनाया है। दो फंदे उल्टे दो सीधे और फिर ये 8 सिलाइयाँ उल्टी सीधी, फिर ये 10 सिलाइयाँ, दो फंदे उल्टे दो सीधे, फिर 8, इस तरह से 10 8 10। अब दो सिलाइयाँ मैंने एक उल्टी एक सीधी यहाँ पे बना ली हैं। अब हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। तो अब हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां फंदा, इन दो का हम एक बनाएंगे। फिर 9 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां 2 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां 2 का 1।
इस तरह से हम लास्ट तक कर देंगे। ये 2 का 1। तो ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ मैं, उल्टी सिलाई उल्टी, फिर दिखाती हूँ आगे। अब इसके बाद फ्रेंड उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे और फिर सीधी सिलाई पे हम फिर से कम करेंगे फंदे। तो ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ इसी तरह से, फिर आगे दिखाती हूँ। अब फिर से देखिए फ्रेंड, फंदे कम करेंगे 1 2। पहले हमने 9 बनाए थे, 10वें पे कम करा था। 3 4 5 6 7। अब हम 8 बनाएंगे और 9वें फंदे पे 2 का 1 करेंगे। फिर से वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए और 9वें फंदे पे 2 का 1 करा। इसी तरह से फिर 7 6 8 इस तरह से हम बनाते जाएंगे। 7 6 5 4 3 2 1, जब तक हमारे पास एक फंदा ना बच जाए, जब तक हम इसी तरह से फंदे कम करते जाएंगे। तो ये कम कर लीजिए, फिर दिखाती हूँ मैं लास्ट में। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 11 फंदे बचे हैं। तो जितना धागा हमें सिलने के लिए चाहिए उतना छोड़ा है मैंने, बाकी काट दिया है। अब हम इसको सुई पे उतार देंगे। अब देखिए इन 11 फंदों को हम 2 बार एक बार टाइट से इस तरह से बंद करेंगे, दूसरी बार यहीं पे पक्का करके छोड़ देंगे। अब हम देखिए जो धागा हमारा नीचे की साइड यहाँ पे बचा हुआ है, उससे हम सिलना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, सिलेंगे हम इसको। इस वाली कैप को हम दोनों साइड से पहन सकते हैं। देखिए इस साइड ये उल्टा उल्टा दिखेगा, जो हमने यहाँ पे सीधा बना रखा है, और यहाँ उल्टा दिखेगा। तो इस तरह से सिलेंगे हम इसको कि ये दोनों साइड से सीधा सीधा ही दिखे। पहले यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे इसको। अच्छे से मिला देंगे। अब देखिए जो छोटी छोटी बन के आई है, पहले हम एक साइड अंदर की साइड से निकालेंगे। अब ए वाली हम बाहर की साइड, एक बाहर को एक साइड का अंदर का। अब ए अंदर वाला लिया और इधर वाला हम बाहर की साइड का लेंगे। अब ए हम बाहर का साइड का लेंगे और ए वाले अंदर की साइड का। इस तरह से हमें ऊपर तक सिल देंगे सभी फंदों को। ये देखिए इससे पता नहीं चलेगा यहाँ पे कि हमने उल्टा सीधा दोनों साइड से एक बराबर सिल रखा है। चाहे आप किसी भी साइड से इस वाली कैप को पहन सकते हैं, ये बाहर की साइड और फिर ये अभी अंदर वाली साइड का लिया और ये वाला बाहर की साइड का। अब ये वाला हम बाहर की साइड का लेंगे और ये वाला अंदर की साइड का। तो इस तरह से मैं ऊपर तक सिल लेती हूँ ये पूरा। अब ये देखिए फ्रेंड, सिल दिया मैंने। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। इसमें कोई भी ऐसे नहीं है, दोनों साइड से इसको पहन सकते हैं। देखिए यहाँ से सिला है मैंने, तो यहाँ पे दिखने रहा है कि ये सिल रखा है। और ये देखिए ऊपर वाला पार्ट इस तरह से बन के आया है ये। और दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ मैं उल्टी वाली। इस पर भी यहाँ कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन सी साइड है ये। तो इसको हम दोनों साइड से पहन सकते हैं। इस तरह से कैप बन के रेडी हो गई हमारी। अगर यहाँ से आप खुला पहनना चाहते हो तो इस तरह से पहन सकते हो, अगर फोल्ड करना चाहते हो यहाँ से तो इस तरह से फोल्ड करके भी इसको पहन सकते हैं। तो
तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है बनाने में। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।